ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ। ਤਕਰੀਬਨ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੋਰ ਬੜੇ ਸ਼ਾਤਿਰ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਤੱਕ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡੱਬੀ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ दुकान बंद की जाती है, सुनियारियां दे वल्लों इस शोरूम नू ताला लगा दिता जाता है, सारा समान नगदी जो है उसनू समेटिया जाता है, गहने अपनी जगह ते पए हुंदे ने। पर जदों मंगलवार नू आके दुकान दा शटर चुक्या गया तां होश उड़ गए। उन्हां नू खाली दुकान, टुटी हुई कंध तो इलावा होर कुछ नज़र नहीं आया। तां दस दईए कि पुलिस मौके पर पहुंचती है, पुलिस के वल्लों जांच शुरू कर दी गई। आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे ने। दरअसल जदों दुकान का शटर खोलिया गया, अंदर दाखिल होए तो पिछे कंध टुटी हुई देखी, जिस तो उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि चोर इसे रस्ते अंदर दाखिल होए होणगे। उस तो बाद पुलिस नू जानकारी दिती गई। पुलिस ने आके जदों सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू किए तो पता लग्या कि ये चोर जांदे जांदे सीसीटीवी कैमरे तक भी खराब कर गए। उधर हुण पुलिस दे वल्लों आस पास दे दुकानां जिहड़ियां ने उत्थे सीसीटीवी कैमरे चैक किए जा रहे हैं। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार ये चोर किस वक्त दुकान दे अंदर दाखिल होए ते कदों उत्थों समान चक के फरार हो गए। तो दुकान दे मालिक ने यह भी जानकारी दी कि तकरीबन 20-25 करोड़ रुपए दे गहने वो लैके चले गए ने। 5 लाख कैश भी इस लुट दे विच शामिल है। उन्हां दे वल्लों नकदी ते भी हथ साफ किया गया है। तां तस्वीरां तुसीं देख सकदे हो कि इन्हां चोरां दे बेखौफ हौसले ने, जिन्हां दे वल्लों इस तरीके दे नाल पहलां कंध नूं तोड़िया जांदा है, फिर वो अंदर दाखिल हुंदे ने ते फिर हथ साफ करदे ने। गहणियां दे उत्ते तकरीबन 20-25 करोड़ रुपए दी लुट, गहणे दे नाल नाल डब्बियां तक भी साफ करके ले जांदे ने। दिल्ली दी ये घटना दस्सी जा रही है। दस दईए कि राजधानी दिल्ली दे विच चोरां ने तकरीबन 25 करोड़ रुपए दे गहणियां दी लुट कीती है। मामला साउथ ईस्ट दिल्ली तो सामने आया, जिथे पुलिस मौके ते पहुंचदी है, चोरां दा पता लगाउण दी कोशिश जेहड़ी है वो भी कीती जा रही है। दरअसल जिस जगह दे उत्ते दुकान सी, वो मार्केट जेहड़ी है महीने दे आखिरी सोमवार बंद रहिंदी है, तो रविवार दुकान बंद करके ये सोच के घर गए सी कि सोमवार छुट्टी का आनंद लैणगे, पर उन्होंने नहीं पता सी कि मंगलवार इस तरीके की घटना उन्हां नाल वापर जाएगी। तो दस दईए कि चोरां दे वल्लों दीवार जिहड़ी है उसनूं तोड़िया गया, फिर वो अंदर दाखिल होए, 20-25 करोड़ का समान चोरी किया ते फिर उत्थों फरार हो गए। पुलिस दे वल्लों इस पूरे मामले की जाँच की जा रही है। आसपास दे सीसीटीवी कैमरे भी पुलिस खंगाल रही है। तो दिल्ली दे जंगपुरा दा ये मामला है। जंगपुरा दी मार्केट महीने दे आखिरी सोमवार बंद रहिंदी है, पर इन्हां सुनियारियां नूं नहीं पता सी कि इस तरीके दी वारदात होएगी। दिखाई देगा। मैं अपने कैमरा में लेके जाए तो कैमरे पर दिख रहा है, यही यहाँ पर ड्राइवर को रखा गया था संडे की रात को, क्योंकि संडे को ये दुकान रात को खुलती है और मंडे को यहाँ पर मार्केट बंद है, तो दुकान बंद है। जो आरोपी बदमाश है, जो चोर है, वो यहाँ पर जाति के बर्तन या दूसरी चीजें हैं उनको लेकर नहीं गए, जबकि जो हीरे जवाहरात और चीजें थी उनको लेकर गए, जबकि चांदी के बर्तन और चांदी की चीजें यहाँ पर चोरी नहीं की गई है। दुकान स्वामी का दावा है कि 25 करोड़ का सामान दुकान से गायब है और ये चोरी प्लानिंग के तहत चोरी की गई। कितने बदमाश आएंगे इस तरह मार्केट है और किसी भी ये सारी बाधाएं खत्म की गई है। वो सबसे ज्यादा जो है कि वो स्ट्रांग रूम में वो बैठे हैं हम कहते हैं दुकानदार संडे की रात को हमें संडे को ही बनाई जाती है। मुझे अगले दिन सोमवार को दुकान बंद रहती है, लेकिन बड़ी चोरी नहीं दिया था। लेकिन आज ये पूरी घटना दिल्ली के भोगल इलाके में हुई है। आरोपी बदमाश जो चोर थे वो पहले यहाँ पर आते हैं, उन्हें पूरी तरह से पता था कि सीसीटीवी कैमरे को कैसे फेल करना है और पूरे दुकान को बाहर के बगल में लगा हुआ पूरा कच्चा उन्होंने काटा और उसके बाद यहाँ पर। मालिक साहब ये बताइए कितने बजे आप लोगों को पता चला? मेरे 2:30 बजे बाहर आई, कल हमारी छुट्टी थी।